चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स आईपीएल से दो वर्ष के लिए बाहर कर। एनी पर्सन हु हैज ट्रू पैशन फॉर द गेम वुड नॉट बी इन्वॉल्वड इन द बैटिंग। सस्पेंडिंग इट फ्रॉम द लीग फॉर अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स। द चेन्नई सुपर किंग्स एंड राजस्थान रॉयल्स शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द कमिंग अप आईपीएल सीजन। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स पर 2 साल का बैन लगा दिया है। आईपीएल में अब सिर्फ 6 टीमें रह जाएंगी। धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स, उसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए है। धोनी पर स्पॉट फिक्सिंग जांच में सवाल उठने लगे हैं। 2 साल आईपीएल में बैन रहने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स जब मैदान पर वापसी करती है तो ऐसे हालात में दिग्गजों के मन में कई सारे सवाल उठते हैं। क्या माही के सीएसके में वही दम आज भी जो विगत कई वर्षों से आईपीएल में चला आ रहा था? क्या माही की सीएसके एक बार फिर से आईपीएल की दुनिया में अपना वर्चस्व स्थापित कर पाएगी? क्या चेन्नई सुपर किंग्स वही टीम बनी रहेगी आईपीएल के इतिहास में जो पहले हुआ करती थी? इन सारे सवालों के साथ चेन्नई सुपर किंग्स अपना पहला मैच खेलने के लिए मुंबई के मैदान में उतर चुकी थी। मुंबई अब आईपीएल इतिहास की सबसे कामयाब टीम बन चुकी थी और ऐसे में उसका डिफेंडिंग चैंपियन होना उसका सबसे कामयाब टीम होने का गवाही दे रहा था। नमस्कार, आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं द डॉक्यूमेंट्री। तो डॉक्यूमेंट्री का स्पेशल एपिसोड कहानी बैन से बादशाह बनने की। तमाम सवालों को दरकिनार करते हुए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 7 अप्रैल 2018 को अपनी संपूर्ण तैयारी के साथ मैदान पर उतर चुके थे। आईपीएल इतिहास के 2 सर्वश्रेष्ठ कप्तान एक दूसरे के आमने सामने थे। वानखेड़े के मैदान में वो सिक्का उछाला जाता है और सिक्का कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के पक्ष में गिरा। ऐसे हालात में उस फैक्टर को देखते हुए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने बड़ी चालाकी के साथ पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। ऐसे हालात में ना चाहते हुए भी मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा को पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रण स्वीकार करना पड़ा। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार थी। मुंबई की ओर से पारी की शुरुआत कर रहे थे स्वयं कप्तान रोहित शर्मा और कैरेबियन पावर एवन लुइस। मैच शुरू हो चुका था परंतु मुंबई के बल्लेबाज चेन्नई की स्विंग भरी गेंदों के सामने शुरुआती 3 ओवर में बेबस नजर आए। मैच के शुरुआती 3 ओवर खत्म हो चुके थे और मुंबई का स्कोर 12 रन पर 1 विकेट था। सीएसके के शानदार गेंदबाजी के सामने एवन लुइस का समर्पण हो चुका था और इसी दबाव के चलते मुंबई के कप्तान ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया जिसमें कप्तान रोहित शर्मा पूरी तरह सफल रहे। मुंबई की ओर से 2 युवा बल्लेबाज मुंबई इंडियंस की कमान संभाल रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने पहले मुंबई को संभालने का प्रयास किया और उन दोनों बल्लेबाजों का ये प्रयास कुछ हद तक मुंबई के हक में रहा। मुंबई 6 ओवर में 39 रन बना चुकी थी और अपने दोनों ओपनर्स को खो चुकी थी। धीरे धीरे इन दोनों बल्लेबाजों ने मुंबई के स्कोर को आगे बढ़ाया और 10 ओवर तक मुंबई को एक भी झटका नहीं लगने दिया। मुंबई के पारी के 10 ओवर खत्म हो चुके थे। अब मुंबई का स्कोर 10 ओवर में 65 रन था और इसके बाद अब इन दोनों बल्लेबाजों ने सीएसके पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया था। ईशान किशन ने 11वें ओवर में इमरान ताहिर को 18 रन जड़ दिए। कुछ ऐसा ही हसर होने वाला था अगले ओवर में ड्वेन ब्रावो के साथ। सूर्या ने इस ओवर में ड्वेन को 14 रन कूट दिए। 12 ओवर खत्म होते होते मुंबई का स्कोर 97 के पार पहुंच चुका था। मुंबई अब विकट परिस्थितियों से निकल करके एक बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा था। ऐसे हालात में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अभी तक अपने टीम के सबसे कामयाब गेंदबाज शेन वाटसन को आक्रमण पर बुलाया। वाटसन के आक्रमण में आते ही मुंबई ने अपने प्रमुख बल्लेबाज सूर्या को खो दिया। सूर्या ने महज 29 गेंदों में 43 रनों की पावरफुल पारी खेली। सूर्या के विकेट के बाद 13वें ओवर में मुंबई के रन गति में विराम लग चुका था। 13 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और मुंबई का स्कोर 101 रन पर 3 विकेट था। इन परिस्थितियों को देखते हुए एक बार फिर से कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इमरान ताहिर को आक्रमण पर बुलाया और ताहिर ने आते ईशान किशन को अपनी चाल में फंसा लिया। महेंद्र सिंह धोनी की ये चालाकी मुंबई की उम्मीदों में पानी फेर रही थी परंतु कप्तान रोहित शर्मा ने कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की उस चालाकी का तोड़ निकाला और बल्लेबाजी के लिए तैयार कायरन पोलार्ड से पहले उन्होंने कृणाल पंड्या को आक्रमण पर उतार दिया। कप्तान रोहित शर्मा का ये दाव मुंबई के काम आया और पंड्या ब्रदर्स की शानदार फिनिशिंग ने मुंबई इंडियंस को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया। ये रहा मुंबई के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। सूर्य कुमार यादव ने मुंबई की ओर से सर्वाधिक रन बनाए। सीएसके को ये मैच जीतने के लिए अगली 120 गेंदों में 166 रनों की जरूरत थी। ये लक्ष्य सीएसके के लिए असंभव तो नहीं था परंतु मुंबई के गेंदबाजी के सामने ये लक्ष्य आसान भी नहीं होने वाला था। ऐसे हालात में इस मैच का रोमांच अपने अलग ही चरम पर था। 2 साल बाद बैन छेलने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स अपने येलो जर्सी पर मैदान में थी। चेन्नई की ओर से पारी की शुरुआत करने आए थे शेन वाटसन और अंबाती रायडू। इन दोनों बल्लेबाजों ने शानदार शुरुआत की परंतु पावर प्ले खत्म होते होते चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने 2 विकेट खो दिए थे।
रैना और वाटसन चेन्नई का दामन छोड़ चुके थे और ठीक अगले ही ओवर में अपने आईपीएल करियर का पहला मैच खेल रहे मयंक मारकंडे ने अंबाती रायडू को अपना शिकार बना लिया। चेन्नई के सामने एक के बाद एक कई बड़ी मुसीबतें आ रही थी। 7 ओवर खत्म हो चुके थे। चेन्नई का स्कोर मैच 44 रन पर 3 विकेट था। ऐसे हालात में चेन्नई की डूबती नैया को पार लगाने के लिए वो शख्स मैदान पर आता है जिसको येलो जर्सी पर देखना करोड़ों क्रिकेट प्रशंसकों की इच्छा थी। वो शख्स मैदान पर आता है जिसके मैदान पर आने से सिर्फ एक ही आवाज चारों तरफ से आती है। वो शख्स मैदान पर आया जो अनहोनी को होनी कर देता है, जिसका नाम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी था। परंतु डेब्यू मैच में कहर बरपा रहे गेंदबाज मयंक मारकंडे के सामने उस कप्तान का भी बल्ला खामोश रहा। मयंक मारकंडे ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कप्तान को अपना शिकार बना लिया था। चेन्नई का स्कोर अब 10 ओवर में 56 रन पर 4 विकेट हो चुके थे। ये मैच मुंबई के लिए आसान हो चुका था क्योंकि चेन्नई को ये मैच जीतने के लिए अगले 10 ओवर में 110 रन बनाने थे और मैदान पर थे रविंद्र जडेजा और केदार जाधव। लेकिन अगले ओवर में रविंद्र जडेजा मुस्ताफिजुर का शिकार बन चुके थे। चेन्नई की उम्मीदें धीरे धीरे धुंधली पड़ रही थी। रविंद्र जडेजा के आउट होते ही चेन्नई के आधे बल्लेबाज पवेलियन में बैठे थे। 13 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और चेन्नई का स्कोर 84 रन पर 6 विकेट था। चेन्नई के लिए ये रिक्वायर्ड रन रेट आसमान छू रहा था और चेन्नई के पास मैच 4 विकेट थे। चेन्नई को इन 4 विकेट में उतने ही रन बनाने थे और मैच 7 ओवर बाकी थे। चेन्नई की निगाहें अब पूरी तरह ड्वेन ब्रावो पर थी क्योंकि यही वो इंसान था जो मुंबई के हाथों से ये जीत छीन सकता था। 15वें ओवर में हरभजन सिंह ने भी ड्वेन ब्रावो का साथ छोड़ दिया। एक तरफ से विकेट गिर रहे थे, दूसरी तरफ से ब्रावो अपने धुन में सवार हो चुके थे। 17 ओवर तक चेन्नई का स्कोर 119 के स्कोर तक पहुंच चुका था और चेन्नई के पास मैच 2 विकेट बाकी थे। रिक्वायर्ड रन रेट 16 के पार था। चेन्नई ये मैच हर हालात में जीतना चाहती थी और इस जीत के लिए अगली 18 गेंदों में 47 रन बनाने थे। मैच का टर्निंग पॉइंट शुरू होता है 18वें ओवर से, जब ड्वेन ब्रावो ने रिचल मैकलागन को मैच 6 गेंदों में 20 रन कूट दिए। अब अगली 12 गेंदों में 27 रनों की जरूरत थी। चेन्नई के लिए ये आस अब उम्मीद बन चुकी थी। 19वें ओवर में एक बार फिर से ब्रावो ने अपना जौहर दिखाया और जसप्रीत बुमराह को मैच 5 गेंदों में 20 रन कूट दिए। परंतु 19वें ओवर की आखिरी गेंद में बुमराह ने ड्वेन को अपने जाल में फंसा लिया। ड्वेन लगभग अपना काम कर चुके थे, परंतु चेन्नई को जीतने के लिए अभी भी 6 गेंदों में 7 रनों की जरूरत थी और मुंबई को ये मैच जीतने के लिए महज 1 विकेट की जरूरत थी। मैच का अंतिम ओवर प्रारंभ होता है। मुंबई की ओर से गेंदबाजी कर रहे थे मुस्ताफिजुर रहमान और बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं चोटिल होकर मैदान से बाहर जा चुके केदार जाधव। शुरुआती 3 गेंदों में उन्होंने बॉल को डिफेंड किया। उनकी इस डिफेंडिंग स्टाइल को देख करके मुंबई के फैंस उत्साहित हो रहे थे, लेकिन 4थी और 5वीं बॉल पर उन्होंने 6 और 4 जड़ करके मुंबई के हाथों से वो जीत छीन ली। 2 साल बाद बैन झेल कर आई चेन्नई सुपर किंग्स डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस को पराजित कर चुकी थी और इस जीत के हीरो रहे ड्वेन ब्रावो, जिन्होंने महज 30 गेंदों में 68 रनों की शानदार पारी खेली। ये रहा चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर कार्ड। उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रस्ताव आपको पसंद आ रहा होगा। अगर इसी तरह की शानदार वीडियो, शानदार मैच स्टोरी आप हमारी आवाज हमारे अंदाज में सुनना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके रख लें हमारे चैनल द डॉक्यूमेंट्री को। मिलते हैं किसी और दिन इसी वीडियो के सेकंड पार्ट के साथ।